हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं हूं शावेस। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक टीजर के ऊपर। फिल्म का नाम है महावीरा, महावीरम, क्या नाम था भाई, महावीरियर। ओके, निविन पॉली तो याद ही होंगे, या वो भी भूल गए इतने दिन। रिमेम्बर। सो निविन पॉली, अब्रिज शाइन, आसिफ लाल, आसिफ अली, इलाल, लालू एलेक्स एंड सिद्दीकी, दे आर बंच ऑफ एक्टर्स। एंड आई थिंक अब्रिज शाइन का नाम मैंने नहीं सुना, उसके अलावा चारों लोगों का मैंने नाम सुना है, आसिफ अली, लाल, लालू एलेक्स, सिद्दीकी एंड निविन पॉली। ओके, सो इट्स आर द रिएक्शन ऑन द टीजर, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दी है। स्टार्ट। पॉली, पॉली जूनियर, नाइस नेम, इंडियन मूवी मेकर्स। इट्स अ पीरियड ड्रामा। ओह, टीजर, आई थिंक मोस्टली शॉट इन राजस्थान एंड गुजरात, लोकेशन देख के लग रहा था। एंड इट्स अ फैंटेसी फिल्म, एज दे क्लेम इट्स अ फैंटेसी। सो नवीन पॉली, अब्रिज शाइन इज अ डायरेक्टर, ओके, लुक्स लाइक प्रॉमिसिंग फिल्म, लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। रिगार्डिंग दिस, वेरी लिटिल टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मूवी, जस्ट अ फ्यू ग्लिम्सेस। आई डोंट नो इफ देयर इज एनी स्टोरी बिहाइंड इट, आई डोंट नो there is any intention behind it. I just shared a few glimpses, that's it. Yeah, I think definitely they have Mahavir here, nahi? Mahavir here. Okay, so मुझे क्या लग रहा है कि this is something a period drama जो कि I think past and present में कुछ प्रे होगी, because जिस तरीके का जो court में announcement चल रहा था वो तो इसी जमाने का था। Yes. So is Naveen Pauly started, okay, it's a time travel kind of a time traveler, yes, kind of a thing. Okay, यहाँ पर विकिपीडिया में कुछ डिटेल्स है नहीं इसके, ना ही आईएमडी में है, सो डेफिनेटली प्लॉट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है हमें। एंड ये नाम भी ऐसा था जो कि मैंने पहली बार, ओके, टाइम ट्रैवल, नाम भी ये पहली बार सुना था आज मैंने, उनके ट्विटर अकाउंट में ही देखा था, उसके बाद मुझे पता चला कि आज इनका टीजर आया, सो वी डिसाइडेड टू डू। फाइनली द मच अवेटेड टीजर ऑफ निविन पॉली, आसिफ अली, महावीर हैज बीन ऑफिशियली डिलीवर्ड, आई मेकर द 1 मिनट कुड मिक्स ऑफ एपिक फैंटेसी ड्रामा। ओके, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई जस्ट थिंक इट्स, आई थिंक यू कैन नॉट से मच आफ्टर वॉचिंग दिस, बट यस, लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग मूवी, फैंटेसी एज दे क्लेम, एंड ऑल्सो period drama, period and plus time travel is what they are talking about. It has been shot, lagta hai ki extensively in the north of India, and moreover lag raha tha like how the getup, Rishi Muni ka jo getup jo unka tha, unka wo dekh ke, and wo exactly kahan ke raja hai wo pata lag raha tha, kaun si kingdom ki wo baat kar rahe, nahi pata lagta usko. They just shared a very very little to no information about the movie, and it's quite, I think this should have been more, क्या कहते हैं, all these things have been seen when it comes to Rishi का जो एक ये है getup है, it has been done like 1,000 times, एक राजा का getup है, it has been 1,000 times, राजा and period drama and the last the burning of food, I think it's Gujarat, वहाँ पे कच्छ में कुछ है वो, वहाँ पे I think that's where it has been shot,
तो इवन दैट इज दैट हैज बीन डन लॉट ऑफ टाइम्स थाउजेंड ऑफ टाइम्स थिंग्स हैव डन बट हाउ डिफरेंटली दे पुल इट अक्रॉस दैट्स दैट्स नीड वी नीड टू वेट एंड वॉच एग्जैक्टली एंड डेफिनेटली टाइम ट्रैवल पीरियड ड्रामा के साथ टाइम ट्रैवल अभी तक हुआ नहीं है दैट्स आई थिंक दैट्स अ न्यू थिंग हैव यू सीन एनी टाइम ट्रैवल मूवी ऑन अ पीरियड ड्रामा लाइक बेस्ड ऑन Yeah, I don't even think it's a period drama. Like, has anyone mentioned that it's a period drama? No, I'm saying not. I'm not saying a period drama. I'm saying it is based on ancient times. Like, you know, early times, जहाँ पर जब राजा महाराजों का scene था. Because the way costumes, जो भी चल रहा था, it is clearly shown कि या 80s होगा या 1880s होगा या फिर 170 ऐसा कुछ होगा. मतलब कि 100-150 साल पहले या 200 साल पहले का. फंटोश आई थी ना. Fantoosh was a way before, like, you know, Fantoosh was a great movie again. It was a comedy movie, I think, actually. This is something like that only. There is one line about the film. A satirical fantasy film interlaced with time travel, fun emotions, and court proceedings. Okay, the film is not about the epic triumph of heroes. Okay, fine. But it was presented as if it's a very serious action thrill movie. Uh-huh. I think aisa lag raha tha. Unhone teaser wo create kiya hai, lekin I think Malayalam fans knows ki film kis bare mein hai because definitely abhi koi bhi actor ki film aa rahi hai to unke fans ke paas puri history rehti hai fan film ki. But unfortunately हम लोग भी थोड़े रेगुलर नहीं थे इंडियन कंटेंट के साथ इसीलिए हम लोगों को आइडिया ही नहीं है ये फिल्म आने वाली थी. सो इवन मैंने कुछ इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया डायरेक्टली वी रिएक्टेड ऑन दिस. जितना टीजर देखा टीजर बहुत ही नॉर्मल दिखा. कुछ मतलब कि ऐसा नहीं था कि वी कैन से ओ वाओ दिस आई एम गोना सी दिस फिल्म इन थिएटर. ऑल आई कैन थिंक अबाउट आफ्टर वॉचिंग इज दैट लाइक दिस इज मोर लाइक फंटूश मुझे लग रहा है. अगर सी अर्लियर व्हेन आई वॉच द मूवी आई फेल्ट सम सीरियस थिंग एंड लाइक वंडरिंग क्या है. बट व्हेन आई सॉ ए सटायरिकल फैंटेसी फिल्म देन आई थिंक इट देर मस्ट बी सम कॉमिक थिंग्स ऑल्सो हियर मिक्स ऑफ सो विच इज हैपेंड. आई थिंक फंटूश अपने ज़माने में बहुत ही बड़ी पिक्चर थी और बहुत ही ज़्यादा विच एक्चुअली चेंज पीपल्स माइंड अबाउट टाइम ट्रैवल एंड ऑल दैट. वो आई थी 2002-2003 में हम छोटे थे अभी तो वैसी तरह की लग रही है. बट लेट्स सी हाउ डिफरेंटली दे प्रेजेंट. बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन मलयालम एक्टर्स एंड मलयालम डायरेक्टर. निविन पॉली से भी मुझे एक्सपेक्टेशन है. एंड आई थिंक दे वॉज रीसेंट टाइम में आई डोंट थिंक कि मलयालम के कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट्स फ्लॉप गए हैं. यू नो अगर फ्लॉप भी जाए मतलब कि आई थिंक यू नो मरकर यू रिमेंबर हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन किए थे उनके वीडियो. मोहनलाल की फिल्म थी इट इज़ अ मल्टी स्टार फिल्म मरकर अरविंद द लायन ऑफ द सी समथिंग ओके. उसके बारे में इतना हाइप था इतना यह था लेकिन फिल्म देखने के बाद देर वॉज अ मिक्सड रिव्यूज अबाउट द फिल्म कि अच्छी है अच्छी नहीं है. बट स्टिल इट मैनेज टू ब्रेक मेनी रिकॉर्ड्स. यू नो राइट नाउ मलयालम फिल्म को इतना क्रेज चल रहा है. मलयालम फैंस उतने लॉयल है उनकी फिल्मों के साथ तो डेफिनेटली फिल्म अच्छा करेगी. बट बाकी के जो पैन इंडिया मतलब कि हमारे ऑल ओवर इंडिया के ऑडियंस को वो मतलब कि एक्सेप्ट कर पाएंगे वो फिल्म या नहीं वो तो देखना है. फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा. एंड आई थिंक ट्रेलर आने के बाद हम लोगों को थोड़ा और आइडिया मिलेगा. बट यहाँ पर सिर्फ हमें ग्लिम्स देखने को मिले. सो वी डोंट हैव मच टू से अबाउट दिस फिल्म. Yeah, but yeah, expecting good, but all the best to the team. Let's see. I think Nivin Poli have done an amazing job recent times. Now, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म आई हैं, so ये भी होगी ही. And I love the title Mahavir. मतलब के something like Mahavir. You know, trailer title से और फिल्म के glimpse से ऐसा लग रहा है this is something very intense film. But फिल्म के history जो देखें तो कुछ इस तरीके का है. A fun emotion. Something like that. So, वो तो definitely आगे पता ही चल जाएगा. So, it's coming soon. Let's see. And I would love to see a fantasy film. So, yeah, this was our reaction on Mahavir teaser. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स बताएं कि हम लोग किस चीज़ पर रिएक्ट करें. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट. अगेन फॉलो अस इंस्टाग्राम के लिए. टेटर सबने दिए. दिस मोर चैलेंज. मोर दिन आयत. साइनिंग ऑफ.